नमस्कार साथियों आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग यू और स्टेट पी सी को ध्यान में रखते हुए ये सभी क्लासें आपकी कवर की जा रही हैं और आपने देखा है कि इसमें हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास देख चुके थे उसके बाद हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू किया था और इसमें लास्ट क्लास में हमने मराठा साम्राज्य और शिवाजी के बारे में विस्तार से बात की हुई थी आज की इस क्लास में हम लोग मध्यकालीन भारत का जो तिथि है क्योंकि आप देखते हैं कि कई बार आपका तिथियों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपसे पूछ लेगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था इस तरह के तमाम आंकड़े आ जाते हैं और वन डे एग्जाम में तो आप देखिए इस तरह के फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं तो आज हम लोग इस पर विस्तार से बात कर लेंगे जो भी तिथियां हैं उनके बारे में देख लेंगे और एक बात और आपको बता देता हूँ अगर आप देखिए कि आप लोगों को पुरानी क्लासें देखनी है तो जो आपका यू एंड स्टेट पी प्रिलिम्स स्पेशल क्लासेस के नाम से जो प्ले सूची बनी हुई है उसी में सभी आपकी क्लासें क्रम से ढली हुई हैं और आने वाले समय में आपका जो भी आधुनिक भारत का इतिहास होगा वो भी उसी में मिल जाएगा संविधान भी उसी में मिल जाएगा भूगोल या फिर अर्थव्यवस्था या सामान्य विज्ञान सभी आपका देखिए प्रिलिम्स का जो भी सिलेबस रहता है संपूर्ण एक तरह से जो भी क्लासें रहेंगी वो उसी में पड़ी रहेंगी और ये सभी क्लासें आपको देखिए प्रिलिम्स में फायदा पहुँचाएँगी परीक्षा में भी फायदा पहुंचाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपके सन हो गए और इसमें आप देखेंगे एक घटना क्रम हो गया उस सन में क्या हुआ सात सौ बारह अरबों का अरबों की सिंध विजय कब सात सौ बारह में अरबों की सिंध विजय और ऐसा माना जाता है कि देखिए सात सौ बारह में मुस्लिमों का भारत में आगमन हो चुका था सात सौ छत्तीस ये आप देखेंगे कि ए डी चलने लगा है ये भी आप लोग याद रखिये बीसी का समय खत्म हो जाता है प्राचीन भारत में ही आप देखते हैं खत्म हो जाता है ढिल्लिका की स्थापना यानी कि दिल्ली का प्रथम शहरी की स्थापना होती है सात में सात सौ ईस्वी में चालुक्यों द्वारा पल्लवों पल्लवों की हार होती है 750 में आप देखेंगे पूर्वी भारत में गोपाल द्वारा पालवंश की स्थापना की जाती है सात में राष्ट्रकूटों द्वारा राष्ट्रकूटों द्वारा चालुक्यों की हार होती है सात में आप देखेंगे दार्शनिक शंकराचार्य का आविर्भाव होता है 714 से आठ में आप देखेंगे राष्ट्रकूट राजा अम्भोग का आता है। 840 में आप देखेंगे राजा भोज के नेतृत्व में पितिहारों का उत्कर्ष 907 में आप देखेंगे परांतक द्वारा दक्षिण भारत में चोल की चोल सत्ता की स्थापना फिर आप देखेंगे नौ सौ में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आता है कब 1915 माफ करिए 915 करी सोलह में नौ में आप देखेंगे कि की युद्ध में राष्ट्रकूटों ने चोलों को हराया नौ से दस राज राजा प्रथम द्वारा चोल शक्ति का विस्तार करता है नौ में आप देखेंगे महमूद गजनी, गजनी का शासक बना नौ में बगदाद के खलीफा ने उसके अधिकारों को स्वीकृति दी 1000 हजार ईस्वी में आप देखेंगे एडी में महमूद का भारत पर प्रथम आक्रमण होता है और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ जिलों को जीतता है एक हज़ार से एक हज़ार तीस तक उत्तर और पश्चिम भारत में महबूब गजनी गजनबी के क्रमिक आक्रमण होते हैं आप देखेंगे एक हज़ार छः में महमूद ने सुल्तान को जीता मुल्तान को जीता था एक हज़ार नौ में आप देखेंगे महमूद ने आनंद पाल को वेहंद के निकट पराजित किया था और आप देखेंगे दस सौ चौदह में राजेंद्र चोल चोल शासक बना कब दस सौ चौदह में और राज चोल के शासनकाल में चोल वंश दक्षिण एशिया में सबसे शक्तिशाली राजवंश बनकर उभरा 1014 में महमूद ने थानेश्वर को लूटा था 1018 में आप देखेंगे महमूद ने कन्नौज पर आक्रमण किया 1020 में आप देखेंगे भीम पाल की मृत्यु के पश्चात हिंदू शाही राज्य समाप्त हो जाता है 1021 में आप देखेंगे महमूद गजनबी ने तिलोचन पाल को हराकर पंजाब को जीता दस में आप देखेंगे राजेंद्र चोल का उत्तरी भारत बंगाल अभियान होता है कब यह दस तेईस की बात एडी की बात दस में आप देखेंगे महमूद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटा गया और याद रखिए जो इस्लाम थे या आप देखिए बाहरी लोग थे जो मुस्लिम थे या और भी जो आप देखिए इन सभी का एक ही उद्देश्य रहा है कि लूटना यहाँ से धन लूटना और अपने धर्म का प्रचार करना दस में आप देखेंगे जाटों को दंड देने के लिए महमूद अंतिम बार भारत आया दस में अलवरणी का भारत आगमन होता है दस में दार्शनिक रामानुज का आविर्भाव होता है 1077 में चोलों द्वारा चीन में व्यापारिक दूत मंडल भेजा गया 1100 तो 1110 में विष्णुवर्धन के नेतृत्व में होयसल शक्ति का उदय होता है 1120 में आप देखेंगे कल्याणी के, के चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ द्वारा चालुक्य संवत का परिवर्तन होता है 1175 तो में आप देखेंगे मोहम्मद गौरी का भारत यानी कि मुल्तान पर प्रथम आक्रमण होता है 1178 में आप देखेंगे गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया और तथा चालुक्य मूलराज द्वितीय से पराजित हुआ ग्यारह सौ इक्यानवे में आप देखेंगे तराइन का प्रथम हो युद्ध होता है और पृथ्वी और पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है ग्यारह सौ बानवे में आप देखेंगे तराई का तराइन का द्वितीय युद्ध होता है और मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है पहले के तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था इसमें आप देखिए पृथ्वीराज चौहान जीता था और मोहम्मद गौरी हारा था लेकिन दूसरा जो तराइन का युद्ध होता है ग्यारह सौ बानवे में इसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है फिर आप देखेंगे ग्यारह सौ चौरानवे में कन्नौज के जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य होता है चंदावर का युद्ध और इसमें आप देखेंगे मोहम्मद गौरी जीतता है और जयचंद हारता है ग्यारह सौ छियानवे में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण प्रारंभ किया था ग्यारह सौ में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा भारत में पहली तुर्क मस्जिद को बद उल इस्लाम का निर्माण करवाया 1204 से 1205 में खिलजी ने दक्षिण पश्चिम बंगा, बंगाल के अधिकांश भाग पर तुर्कों का अधिपत्य स्थापित कर लिया फिर आप देखेंगे कि 1205 में मोहम्मद गौरी की अंध खुद के युद्ध में भयंकर रूप से पराजय। और आप देखेंगे बारह सौ में कुतुबुद्दीन एवक ने कुत तो उद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है कब बारह में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बारह में आप देखेंगे अली मर्दन खिलजी नामक एक सरदार द्वारा इक्तियाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है बारह में ही सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है बारह में आप देखेंगे कुतुबुद्दीन को दास्ता से मुक्ति मिल जाती है गुलामी से एक तरह से मुक्ति मिल जाती है ग्यारह सौ बारह सौ ग्यारह से बारह इल्तुतमिश का शासनकाल रहता है और दिल्ली का प्रथम वास्तविक सुल्तान माना जाता है इल्तुतमिश को 1221 में आप देखेंगे चंगेज खां का पंजाब पर हमला होता है 1226 में बंगाल दिल्ली सल्तनत का एक एकता यानी कि सूबा बना बारह में खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद को स्वीकृति प्रदान की बारह में आप देखेंगे ग्वालियर विजय के पश्चात बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा 1234 से 1235 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया तथा तुर्कों ने भेलसा के प्राचीन हिंदू मंदिर एवं उज्जैन के महाकाले महाकाल मंदिरों को लूटा और नष्ट कर दिया और आप देखिए कि आज भी इन्हीं जो भी मुस्लिम आ सकते उनका परिणाम आज भी भुगतना पड़ रहा है लोगों को आज भी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हो रहा है और ऐसा कई विद्वान कहते हैं कि तीन हजार से ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर उस समय मस्जिदें बनवाई गई थी और इसको लेकर उस समय की देखिए व्यवस्था को लेकर इनके कार इनके कर्मों को लेकर आज आप देखिए आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ते रहते हैं और आज के लोगों को समझ में भी नहीं आता है कि वो तो लूटने के उद्देश्य आए ही थे बारह सौ छत्तीस में आप देखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह के को आपदस्थ करके रजिया दिल्ली का दिल्ली की शास शासिका बनती है और बारह सौ छत्तीस में शेख निजामुद्दीन औलिया का वदायू में वदायूं में जन्म होता है 1240 में आप देखें कि रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है बारह में चंगेज खा के पोत हलाकू ने खिलाफत का अंत कर दिया बारह में बलवन का शासन आता है बारह में बलवन की गुलाम सरदार तुगरिल खां का विद्रोह होता है बारह में आप देखें कि बलवन ने एकतादारों पर निगरानी रखने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की बारह में मार्को पोलो का दक्षिण भारत आगमन होता है 1290 में केकूवाद द्वारा बनवाए बन गए किलो किलोखरी के महल में जलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक होता है और मलिक छज्जू का विद्रोह इसी समय होता है बारह में बारह में सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या हो जाती है और अलाउद्दीन खिलजी शासक बन जाता है कहते हैं आप सभी ने पढ़ा भी है पीछे कि जलाउद्दीन की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवा दी थी बारह सौ छियानवे से तेरह सौ सो सोलह तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहता है तेरह सौ एक में अलाउद्दीन ने रथम को जीता सौ एक में कश्मीर में तेरह सौ तीन में आप देखेंगे अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीता तेरह सौ तीन में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीता जो उससे उसके पूर्व किसी भी दिल्ली सुल्तान ने नहीं जीता था तेरह सौ चार में आप देखेंगे मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने सीरी दरो का निर्माण करवाया 1310 में आप देखें मलिक कपूर द्वारा देवगिरी के रामचंद्र देव की पराजय होती है 1323 में आप कि खान ने तेरह देव को पराजित कर काकतीय राजवंश को समाप्त कर दिया फिर आप देखेंगे कि 1325 में उलूक खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है फिर आप देखेंगे तेईस सौ से सत्ताईस मोहम्मद बिन तुगलक ने दुआब में करबिडी करबिडी की और आप देखेंगे फिर तेरह सौ पच्चीस से इक्यावन में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल इब्न बतूता भारत आता है और तेरह सौ छब्बीस से सत्ताईस में राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित कर दी जाती है तेरह सौ उनतीस से तेरह सौ तीस में तांबे या पीतल की सांकेतिक मुद्दा चल, मुद्रा चला, चलाई जाती है तेरह सौ पैंतीस में नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार वापस दिल्ली जाने की अनुमति दी जाती है तेरह सौ छत्तीस में आप देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है तेरह सौ उनतालीस में शमसुद्दीन शाह रेंचन कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक बनता है 1341 में चीन का एक दूत मंडल मोहम्मद के दरबार में आता है। 1342 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है 1360 में साठ में ने जाजनगर पर आक्रमण किया और पुरी पूरी के जगन्नाथ मंदिर और मूर्तियों को नष्ट कर दिया तेरह में फिरोज ने कांगड़ा में स्थित नगर कोट पर आक्रमण किया तथा ज्वालामुखी के मंदिर को नष्ट कर दिया तेरह सौ चौहत्तर में विजयनगर के शासक बुक्का पितम ने में तैमूर की की में में का लाहौर पर आक्रमण होता है फिर आप देखेंगे तेरह सौ निन्यानवे में मलिक राजा फारूकी ने खानदेश के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी चौदह सौ दस में देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा पर बांध बनबर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहरें निकलवाई थी 1411 में अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी 1414 से चौदह तक तो दिल्ली में सैयद वंश का शासन काल रहता है 1411 से 1441 गुजरात में अहमद शाह रूढ़ रहता है यानी कि सत्ता में रहता है ग्यारह चौदह में खिज्ज खां ने सैद राजवंश की स्थापना की 1420 में आप देखेंगे जैन उल अबीदीन कश्मीर का शासक बनता है 1424 से 25 में सरफुद्दीन याजदी द्वारा लिखित जफरनामा में हिंदी शब्द का पहली बार उपयोग किया जाता है और 1443 में अब्दुल रज्जाक का भारत आगमन होता है फिर आप देखेंगे चौदह में हरमन गोट से पहला विद्वान था जिसने जर्नल ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में विकासित एक लेख में भारत की प्रारंभिक मुस्लिम कला शैलियों का उल्लेख करते समय सल्तनतकालीन चित के अस्तित्व को स्वीकार किया चौदह में मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था सर आप देखेंगे चौदह में बहलोल लोधी ने दिल्ली में लोधी राजवंश की स्थापना की चौदह में दिल्ली में बहलोल लोधी का उदय होता है चौदह में चीनी यात्री माहुआन मल्लिका अर्जुन के समय में विजयनगर आता है 1440 से 1518 तक कबीर का काल रहता है कबीर जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा चौदह से पंद्रह तक नानक साहब का काल रहता है सिख धर्म में नानक साहब को कुछ ज़्यादा ही मानते हैं लोग और अच्छी बात है वैसे आप देखिए इनकी जो विचारधारा ही है जो काम रहे हैं वो सभी को वो सभी को प्रेरित करने वाले हैं चौदह में वल्वाचार्य का बनारस में एक तेलुगु परिवार में जन्म होता है चौदह से 1533 चेतन का काल रहता है 1481 में महमूद गवा की हत्या कर दी जाती है चौदह में फतेह उल्ला इमाल शाह ने स्वतंत्र बरार राज्य की स्थापना की चौदह सौ नवासी नब्बे में आप देखिए यूसुफ आदिल खान ने स्वतंत्र बीजापुर राज्य की स्थापना की चौदह सौ नब्बे में मलिक अहमद ने स्वतंत्र अहमदनगर राज्य की स्थापना की चौदह सौ अंठानवे में वास्को डी गामा पुर्तगाली भारत आता है और ये कई बार आप देखिए क्वेश्चंस किस तरह का आ जाता है भारत की खोज किसने की थी और आप देखेंगे ऑप्शन में दे देगा वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था और लेकिन याद रखिए भारत आने वाले रास्ते की खोज की थी इसने लेकिन क्या करें बोर्ड भी इसी को मानते आते हैं तो आप लोग यही लगाएंगे ठीक है तीन में कोची में प्रथम पुर्तगाली बस्ती की स्थापना होती है सो में सिकंदर लोधी ने आगरा का नवीन नगर बसाया पंद्रह सो सात में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की पंद्रह सो आठ में चोल के युद्ध में जूनागढ़ के गवर्नर और मिश्र के मामलोक सुल्तान द्वारा पेशे नौ सैनिक बेड़े में ने पुर्तगालियों को पराजित किया 1509 में दीव की लड़ाई में एशिया की नाविक शक्ति के रूप में यूरोपियों के वर्चस्व को स्थापित कर दिया 1509 से 1530 में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का शासनकाल रहता है 1510 में अल्बू कर्क ने फादर लुई को कृष्णदेव राय के दरबार में भेजा था पंद्रह में कुली शाह ने स्वतंत्र गोलकुंडा राज्य की स्थापना की 1518 से 1517-18 में इब्राहिम लोदी व राडा के मध्य घटौली का युद्ध हुआ जिसमें लोदियों की हार होती है 1517-18 में ग्वालियर के निकट खतौली के युद्ध में राडा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1519 में बाबर ने भारत में पहला आकमर बाजौर और भेरा के किले पर किया और उन्हें जीत वापस चला गया फिर आप देखेंगे पंद्रह में पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों से ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को धोखे से मार डाला था पंद्रह सौ में अमीर अली वरीद ने स्वतंत्र बीदर राज्य की स्थापना की पंद्रह में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और बाबर द्वारा भारत में बोल वंश की स्थापना होती है 1526 सौ ये भी याद रखिएगा पहला पानीपत का युद्ध 1526 में होता है फिर आप देखेंगे 1527 में बाबर ने खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राजा राणा सागव को हराया 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया कर मार डाला पंद्रह में घाघरा के युद्ध में बाबर ने लोहा लोहानी अफगानों को परास्त किया कई बार ये देखिए क्रम से लगाने के लिए आ जाते हैं फिर चाहे पानीपत का युद्ध हो खानवा का युद्ध हो चंदेरी का युद्ध हो या फिर घाघरा घाघरा का युद्ध हो तो इनकी डेट जरूर याद रखिएगा और किन किन के बीच हुआ है वो भी याद रखिएगा पंद्रह में बाबर ने बाबरनामा पूरी की पंद्रह में कलेंजर के शासक पितावरुद्ध देव पर हुमायूं ने अपना पहला असफल आक्रमण किया पंद्रह में चौसा का युद्ध होता है और शेरशाह द्वारा हुमायूं की पराजय होती है।, है सूरी की बात हो रही है पंद्रह में कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध होता है, है हुमायूं को पूर्ण रूप से पराजित कर दिल्ली का शासक बन जाता है और दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना कर लेता है पंद्रह में हुमायूं गुरु अंगद से पंजाब में उस समय मिला जब वह शे शाह से बिलगांव के युद्ध में परा परास्त होकर भाग रहा था पंद्रह में अमरकोट के राणा वीर साल की यहाँ अकबर का जन्म होता है 1542 में शेर शाह ने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया 1545 में आप देखेंगे शेर शाह की मृत्यु के पश्चात इस्लाम शाह सूर वंश का शासक बनता है 1555 में आप देखेंगे हुमायूं द्वारा शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह को पराजित कर दिल्ली में पुनः मुगल वंश की स्थापना की पंद्रह में अकबर अकबर मुगल वंश का शासक बना और अकबर द्वारा पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को पराजित किया पंद्रह में दूसरा पानीपत का युद्ध होता है पंद्रह में बैरम खां का पतन होता है पंद्रह में साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने अपना पहला आक्रमण मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया पंद्रह में राजा भारमल ने अपने अकबर से भेंट की और उस, उनकी उसकी अधीनता उसको स्वीकार किया और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया पंद्रह में अकबर ने प्रथम बार अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगार की यात्रा की थी पंद्रह में पंद्रह में अकबर ने दास प्रथा समाप्त की थी पंद्रह में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था पंद्रह में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था पंद्रह में तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया था ये अकबर के समय की जो काम है उन्हें भी याद रखिएगा डेटों के साथ पंद्रह में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की 1572 में 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया 1573 में अकबर ने बंगाल बिहार गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत में करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी और फिर आप देखेंगे कि 1574-75 में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की 1574 में अकबर द्वारा बंगाल का दीघ किया 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर ने मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को हराया 1577 में अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 सौ जमीन दी जिस पर कलांतर में अमृतसर नगर की स्थापना हुई 1577 में अकबर ने दिल्ली में एक शाही टकसाल बनवाई थी पंद्रह में अकबर ने मजहर नामा की मज नामा की घोषणा की 1580 में राजा टोडरमल के नेतृत्व में दहशाला लगान व्यवस्था लागू की गई 1580 में अकबर ने प्रशासकीय सुविधा की, की दृष्टि से अपने संपूर्ण साम्राज्य को बारह सूबों में विभाजित कर दिया था और फिर आप देखेंगे कि पंद्रह में अकबर की दरबार में फादर एका बीवा विवा के नेतृत्व में प्रथम जैसोट मिशन आया पंद्रह में अकबर के शासनकाल का सर्वाधिक संकटपूर्ण पूर्ण वर्ष रहा पंद्रह में अकबर ने काबुल को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया पंद्रह में अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीन एलाही नामक एक नवीन धर्म का परिवर्तन किया पंद्रह में अकबर ने दीन एलाही की शुरुआत की पंद्रह में अकबर ने एक नए कैलेंडर इलाही संबद को जारी किया था पंद्रह में अब्दुल रहीम रहीम को खाने खाना की उपाधि दी पंद्रह में अकबर ने सूबों में एक नया परिवर्तन करते हुए एक नया दीवान पद सृजित कर दिया जो सूबेदारों की शक्ति पर नियंत्रण रखा रखता था पंद्रह सौ छियासी में अकबर ने गजे हिलाई का प्रयोग प्रारंभ किया पंद्रह सौ में अकबर द्वारा कश्मीर का अधिग्रहण कर लेता है पंद्रह सौ में कंधार बिना किसी युद्ध के मुगलों को प्राप्त हो जाता है 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है सोलह में सिखों के पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन होता है पंद्रह सोलह सौ चार में पुर्तगालियों द्वारा भारत में तम्बाकू को लाया गया तो तमाकू आज आप देखते हैं ना उसी की बात हो रही है सोलह में अकबर की मृत्यु और जहांगीर का राज्य रोहन होता है सोलह में विलियम फिंच हॉकिंस के साथ जहांगीर के शासनकाल में सूरत आता है 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह करता है 1612 में जहांगीर ने पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया 1612 सो में शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात है मुमताज महल और ताज महल और मुमताज महल आप सभी जानते भी होंगे फिर आप देखेंगे कि क्या देखेंगे 1615 सो में कब 1615 सो में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से दारा सेको का जन्म होता है 1618 में उज्जैन के निकट दोहंद में औरंगजेब का जन्म होता है और 1626 में महावत खान ने विद्रोह करके जहांगीर को बंदी बना लिया था सोलह में शिवाजी का जन्म होता है सोलह में जहांगीर द्वारा अपने महल के बाहर न्याय की जंजीर लगाई गई सोलह में बुंदेलखंड के शासक जुझार सिंह के विरुद्ध किया गया सैनिक अभियान शाहजहां के समय का पहला सैनिक अभियान था सोलह सौ में शाहजहां के शासनकाल में दक्कन तथा गुजरात में भयंकर अकाल पड़ता है सोलह में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर निकाल दिया सोलह में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया सोलह सौ में शाहजहां ने सिजदा एवं पायपोस पिथा को समाप्त कर दिया सोलह सौ में आप देखेंगे औरंगजेब का विवाह फारस राजघरानी की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से हो जाता है फिर आप देखेंगे सोलह में दिल्ली के लाल किले का निर्माण पूरा होता है सोलह सो में सोलह सौ तिरपन में बाईस वर्षों में नौ करोड़ रुपए की लागत से ताजमहल का निर्माण हो जाता है सोलह सौ सो छप्पन में शिवाजी का मुगलों से पहला संघर्ष होता है अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण फिर आप देखेंगे फरवरी सोलह सौ सो अंठावन में बहादुरपुर के युद्ध में शाही सेना ने साहि सुजा को परास्त किया अप्रैल सोलह में सो अं घरमत के युद्ध में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने से सेना की हार होती है जून सो पंद्रह सो में सामूर के युद्ध में औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना ने दारा को पराजित कर मार डाला सोलह सो में शाहजहां द्वारा ताजमहल जामा मस्जिद और लाल किला का निर्माण पूरा हुआ सोलह सो में औरंगजेब दिल्ली का शासक बनता है सोलह सो में आप देखेंगे प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी की सेना द्वारा आदिल शाह की सेना पराजय होती है और शिवाजी द्वारा खान की हत्या कर दी जाती है। 1660 में औरंगजेब ने मीर जुमला को बंगाल का गवर्नर वनागर पूर्वी प्रांत विशेषता विद्रोही जमींदारों का दमन करने के लिए भेजा सोलह में मीर जुमला ने अहोमों को संधि कर करने को विवश किया फिर आप देखेंगे सोलह में औरंगजेब ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया और यहाँ से आप देखेंगे कि औरंगजेब कट्टर होता चला जाता है सोलह में शिवाजी ने पूना में चुपके से सहिस्था खां के शिविर पर आक्रमण कर उसे घायल कर दिया था सोलह में शिवाजी ने मराठा शाही पद धारण किया सोलह में शिवाजी और राजा जय के मध्य पुरंदर की संधि होती है सोलह में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है सोलह में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा आता है और सोलह सौ सो उनहत्तर में गोकुल की गोकुल के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह होता है सोलह सौ सो सत्तर में मुसलमानों ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाए गए केसवराव के, के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ तोड़ दिया तो आप समझ रहे हैं कि ये समझिए आप लोग किसका समय है औरंगजेब का सोलह सौ सो बहत्तर में औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह किसान विद्रोह अफरीदी सरदार अकमल खां का विद्रोह होता है सोलह सौ सो चौहत्तर में आप देखेंगे कि शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्यभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की सोलह सो में औरंगजेब द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया जाता है सोलह सो में औरंगजेब ने सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगा देता है यहाँ से आप देखिए कि ये दूसरे धर्म पर कर लगाने लगता है अत्याचार करने लगता है सोलह सो में शिवाजी के निर्देशानुसार अन्नाजी दत्तों ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया जिसमें परिणाम स्वरूप एक नया राजस्व निर् निर्धारण हुआ और एक बात और याद रखिए देखिए कई विद्वान इसके पक्ष में हैं कई विद्वान कहते हैं कि जो आप देखिए कि जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जा रहा था उससे ज़्यादा कहीं आप देखिए मुसलमानों पर कर लगाया जाता था आप समझ रहे हैं कई लोग इसके विरोध में लिखते हैं तो आप लोगों को क्या करना है आप लोग अगर स्टेट पी सी सिविल सर्विस में मुख्य परीक्षा में क्वेश्चंस दे रहे हैं या कहीं आप लोग बता रहे हैं तो आप लोगों को बड़ा न्यूट्रल होना है आपको पॉजिटिव पॉइंट भी बताना है निगेटिव पॉइंट भी बताना है जब मंदिरों को तोड़ने की बात हो तो आप लोग मंदिरों को तोड़ने के उदाहरण दें वहीं आप लोग ये भी कह सकते हैं कि आप देखिए जो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का है इसे इसे दान भी देता था कौन औरंगजेब सोलह सौ अस्सी में बुखार बुखार से रायगढ़ में शिवाजी की मौत हो जाती है और सोलह सौ इक्यासी में औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह होता है और सोलह सौ इक्यासी में आप देखेंगे औरंगजेब का दक्कन पर आक्रमण होता है सोलह में राजा राम के नेतृत्व में जाटों का विद्रोह होता है सोलह में औरंगजेब ने अंग्रेजों को हुगली से बाहर कर दिया सोलह में औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं के त्यौहारों और उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है सोलह में छत्रपति संभाजी की मृत्यु हो जाती है मौत हो जाती है और सोलह में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा का गठन होता है सत्रह में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास जफरनामा भेजा था 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है और यहाँ से आप देखेंगे मुगलों के दिन बुरे शुरू हो जाते हैं इनका पतन शुरू हो जाता है 1708 में खेत के युद्ध में ताराबाई को पराजित कर साहू मराठा छत्रपति बन जाता है 1708 में जमी जमशीद खाना पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है सत्रह में साहू ने विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया सत्रह में सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से संधि की जाती है 1720 में मुगल प्रशासन से जजिया मोहम्मद शाह के शासनकाल में अंतिम रूप से पर समाप्त हुआ 1720 में आप देखेंगे बाजीराव पूना में मराठा पेशवा नियुक्त होते हैं सत्रह में पाल खेत के युद्ध में मराठों ने निजाम को पराजित कर मुंगी सेव गांव की संधि करने के लिए बाध्य किया और 1731 में वारना की संधि द्वारा संभाजी ने साहू को महाराष्ट्र का शासक स्वीकार कर लिया और सत्रह में आप देखेंगे भोपाल के युद्ध में मराठों ने नि, निजाम को पराजित कर दुर्रई सराय की संधि करने के लिए व्यवस्था किया था सत्रह में आप देखेंगे नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण होता है करनाल का युद्ध सत्रह में आप देखेंगे मराठों का बंगाल पर आक्रमण होता है ढोफली फाउंडेचरी का गवर्नर नियुक्त होता है सत्रह सौ में आप देखेंगे प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष होता है सत्रह में आप देखेंगे संगोला की संधि के तहत पेशवा मराठा संघ का प्रधान बन जाता है और सत्रह में पिलासी के युद्ध में सिराज उद्दौला की हार होती है सत्रह में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया तो इस तरह की आपकी मध्यकालीन भारत की जो भी महत्वपूर्ण तारीखें हैं डेटें हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं चलिए तो आपका मध्यकाल मुझे लगता है खत्म है आगे हम लोग आधुनिक भारत में आधुनिक काल के भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे उसमें भी हम लोग विस्तार से ही बात करेंगे आप लोग पढ़ते रहिए इन्जॉय करते रहिए